Swamiji Krishnanand Saraswati to say a few words. राम 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 पाकि माम राम पाद चरणे मुंद राम पाकि माम राम 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 पाकि माम राम पाद चरणे मुंद राम पाकि माम। आप लोग सब मेरे साथ में एक शब्द बोलिए, राम 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 पाकि माम राम पाद चरणे मुकुंद राम पाकि माम मुकुंद राम पाकि माम मुकुंद राम पाकि माम। मैंने ऐसा अचानक इधर आया है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने फेसबुक में देखा इधर एक प्रोग्राम है हमारा, उन्होंने भी इधर आ रहा है। अभी देखिए इन्होंने गवर्नर और मिनिस्टर और जो भी चाहिए उसको कर सकता है, लेकिन सब छोड़ के इधर आप देखते हैं कोई आते तो भी उठ के सलाम करता है, बैठते तो भी करता है, इतना प्यार से एकदम समाज के नीचे से आके वो काम करता है। क्यों? आपने ये जलायु पारे के बारे में सुना है, वहां इतना मोटा एक पत्थर, वहां वो पत्थर बिजनेस करने के लिए लायक है, सड़क बनाने के लिए टुकड़ा टुकड़ा करके टुकड़ा करना हमारा हक है, देश को टुकड़ा करना, भाषा को टुकड़ा करना, संबंध को टुकड़ा करना। अभी ये सोचा हूँ पत्थर को भी टुकड़ा करके पैसा बनाएंगे, तभी हमारे गुरुदेव ने जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज ने, आप लोग ज्यादा सुना नहीं है लेकिन वो कोई नाम के लिए कभी काम नहीं किया है, जहां पत्थर पड़ा है जहां टुकड़ा करने के लिए तैयार है उसको टुकड़ा करने का सब उसको जवाब दे के आगे जाने में हम लोग जो करता है सामने आके बोलने को हक नहीं। मैं भी 40 बरस से बदलापुर में एक जंगल में पड़ा रहा है, आप लोगों के बीच में आता नहीं है क्योंकि आते ही तो मेरे लिए उधर कुछ कर नहीं सकता है। इधर पदम पदम आज शब्द सुना, मैंने सोचा जड़ायु का शब्द सुना, जड़ायु अपने प्राण को त्याग करके, अभी हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ हमारे लड़की को लेके गया है वो उसको सही किया है, और लेकिन क्या सरकार ने क्या किया, सरकार ने इधर लाइसेंस देता है प्रॉस्टिट्यूशन के लिए, आर यू नॉट अशेम्ड बहन हमारा घर का बेटी को लेके सेल करके वो 70-75 बरस में फेंक देता है, उसको 5 सेंट जमीन देके पापड़ बनाने का काम देते तो वो वेश्यावृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन त्रेता युग में ऐसा एक पक्षी था उसने केरला में रावण को लड़ाई में सामना करने के लिए तैयार हो गया, वो बहुत बड़ा राजा था। बात है हमारा केरल के अंदर में होता है, अगर हमें केरल में जाते हैं तो हमको आलस करके जेल में रखेगा, उधर लूटते हैं तो कुछ नहीं, मंदिर तोड़ते हैं तो कुछ नहीं, सबको उसके आलंस दे देगा, पेंशन दे देगा, परीक्षा के बिना काम दे देगा, सब केरल में चलता है। गार्ड्स और कंट्री अभी जाता है कैसा, गार्ड्स का स्पेलिंग चेंज हो गया, जी ओ डी नहीं है डी ओ जी हो गया है। We have to fight against this nonsense. अभी पहले इधर गणपति का फोटो देखा, मैंने बोला ये अगर केरला में होते तो उसको आरोप के अंदर रखेगा, गणपति नित्य है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माँ ने बताया कि तुम्हारा पिताजी है, हमने बोलना शुरू कर दिया नहीं नहीं मैं पिताजी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको डीएनए टेस्ट चाहिए, डीएनए टेस्ट के लिए भेजा डॉक्टर्स को ओपनली लगा क्या करेगा, हियर बाय आई एम फाइंडिंग दिस स्टेटमेंट मैन एज माय फादर, ऐसा कोई हमारा स्पीकर ने ये शब्द बोला, इसलिए मैंने बोलना पड़ा। पदम पदम जाने के समय पक्षी के बारे में सोचने के समय हमारा केरल का स्पीकर के बारे में भी सोचने का है, ये उसका घर का कुर्सी नहीं है देश का कुर्सी है, उसके ऊपर बैठ के हमारा गणपति को अपमान करते हैं तो उसको मित करते हैं तो उसको आंसर देना पड़ेगा।
उसका घर का प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए बोलने में मेरे लिए दुख होता है। आने के लिए भी विचार ये सब मेरा मन में है, लेकिन शरीर मन के साथ अभी जाने के लिए जरा रुकावट है। ये लोग भी आपको बोलते हैं स्वामी जी मत जाना, फिर भी जाना ही पड़ता है। इन्होंने जब बचपन में इतना बाल सफेद नहीं हो गया, वो समय हम दोनों मिलकर शबरीमला का पनेट्रामणी में सत्याग्रह किया। देखो अभी क्यों हम सत्याग्रह करना, रात दिन अंडरग्राउंड काम करना, क्योंकि ये लोग लूटता है, पीटता है और मजाक करता है, उसके खिलाफ काम करना मेरा गुरु का वही आदत था। इसलिए मैंने जो किया हमको बोल नहीं सकता है। इधर आप पदम पदम जाता है, बदलापुर में आके देखिए अयोध्या बना के रखा है, वहां रामेश्वर बना के रखा है, केरल के अंदर वहां जो उसने रामायण दिया, केरल को जलायु को दिया, वो इर्तचन का एक मूर्ति बना के 14 वर्ष तक बांध के उधर कोने में रखा था। वहां हमने बदलापुर में तुंजत रामानुजन इर्तचन का मंदिर बनाया, छोड़ा नहीं। केरल पहले विवेकानंद स्वामी ने बोला ये पागल खाना है, वो समय नहीं था लेकिन उनको मालूम पड़ा ये पागल खाना बनाने का है, वो हो जाएगा, इसीलिए वो वार्निंग दिया। लेकिन वहां पागल खाना होते है तो इधर एक दवा खाना बना के मैं इंटरसन को ये किया। फिर भी मेरा मन के अंदर ये कहा जब रामायण मास इधर मलयाली लोग चलाता है केरल में, बहुत हमने उसके लिए हम लोग साथ साथ बहुत काम किया, मैं बताना नहीं चाहता है, वक्त बहुत कम है। माइक मेरा दुश्मन है, सिर्फ माइक के पास आता नहीं, इन्हें नहीं बोला उधर बैठो ठीक है, लेकिन माइक देते तो मेरे लिए जरा भीड़ जाता है। फिर आजकल माइक के पास बात जाता ही नहीं, फिर भी कभी आते तो दो शब्द बोलना पड़ता है। हाँ, महाराष्ट्र का रामायण का नाम मैंने पूछा मेरा मराठी दोस्तों में, अभी रथ यात्रा चलता है तभी मैंने एकनाथ महाराज का फोटो लेके भी जाता है, अभी लोग मुझे रामायण का मास्टर है, मैं रथ में बैठ के रामायण पढ़ के सारा भारत नेपाल जम्मू कश्मीर सब मलयालम रामायण पढ़ के आके आपके सामने खड़ा है। देखे वो लोग सबको मालूम नहीं है, इवन 1% आदमी एकनाथ महाराज का नाम नहीं तो फावर से रामायण नाम लेता नहीं। मैंने सोचा क्यों नहीं करने का, एडिटेशन का एक साइड में रखा और दूसरा साइड में एकनाथ महाराज का मंदिर बनाया। एक हफ्ते हो गया लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया, अनाउंसमेंट ये लोगों को सबको बुला के अनाउंस करने का विचार है, इसलिए बुलाया नहीं, अभी अचानक ये बोला इसीलिए मैंने बोला। एकनाथ महाराज का है रामायण, उसने उसका रामायण वाल्मीकि का रामायण का जैसा नहीं है, तुलसी का जैसा नहीं है, व्यास रामायण का जैसा नहीं कर गया। वो 5 वर्ष में भगवान को ढूंढने के लिए खर्च छोड़ा, उनको राम खुद आके 2 बजे उठाता है, उठ उठ सुनो राम अपना कहानी बताया, तुम ये भी बताओ। वो बड़ा कवि लोग अपना अपना भावना से हमारा उनका अनुभव बनाया, तुम्हारा अनुभव तुम बताओ। इसने वो खुद राम जो बोला वो सब इतना मोटा रामायण है, अध्यात्म रामायण से डबल है। वो ये महीना में हमने रामायण मासों मलयालम और मराठी दोनों गुजरातों में शुरू किया है। एक इसको अनाउंसमेंट में कुछ नहीं है, एक्शन अनाउंसमेंट करके करके एक्शन करने में मजा नहीं होता है। एक्शन आने के बाद आपको सोचना ये कैसा आ गया, हार आ गया, भूकंप आ गया और बीमार भी ऐसे आता है। अनाउंसमेंट में कोरोना आता है नहीं है, कोरोना अचानक आता है, पूछेगा कोरोना देखा है, वो मिथ है, ऐसा पूछते हैं। ये बेवकूफ लोगों के सामने ऐसा नहीं, ये शब्द बोलने में मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा चमड़ा बड़ा पक्का है उसमें नहीं है। इतना भगवान गणेश को छोड़ा, राम को छोड़ा, सबको अयोध्या में राम को कितना बरस तक दबा के रखा, त्रेतायु के राम को अभी जनवरी में आप लोग दुनिया का सारा आदमी उधर जाके दर्शन करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, पदम पदम
इधर अयोध्या तक जाने का नहीं है, श्री राम का ईश्वर के सामने सबको मुसलमान ईसाई हिंदू सबको बुलाता है तुम आ जाओ। उधर देखिए ये अवस्था में हम लोग सब जो विश्वासी है अच्छी तरह काम करने का वक्त है, इसीलिए सोच लेना हम जो बख्शी ने अपना जान कुर्बानी करके एक स्त्री को संभालने के लिए कोशिश किया, आजकल कितना करता है, कुछ नहीं करता है, इसीलिए उसका स्मारक वहां होना चाहिए, उसके लिए आप सब लोग ज्वाइन करके करने का आपको बहुत करने का है, अभी छोटा ही किया है। शंकराचार्य ने जब सारा हिंदू को इकट्ठा करने के लिए कोशिश किया लेकिन उन्होंने सोचा केरला में मैं नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब जगह में किया, क्योंकि केरला में करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सारा भारत का सब हिंदू के बिना भी जो है वो भी करने का हम बोलता है। इसलिए यात्रा जलायु पारा का नहीं है, फिर क्या है, राम के लेके पक्षी तक, हमारा कुड़कू में पक्षी भी है, जानवर भी है और वृक्ष भी है वो पत्थर भी है, इसीलिए हम बोलते हैं। और हमको क्या कहते हैं, जातिवादी प्राचारवादी प्रादिवादी संप्रदायवादी ये कहते हैं, नहीं हमारा हमारा संप्रदाय सारा विश्व का संप्रदाय है, इसीलिए हम कहते हैं वसुधा एव कुटुंबकम, और दुनिया में कोई कहता ही नहीं है। मैं इसमें चलने का है, इसके लिए वक्त बहुत है, मैं झुक के रखता है, अभी बोलना शुरू करने का नहीं, आपको अभी भी भाषण करने का है, इसलिए मैंने अभी दो शब्द बोलने के लिए वक्त मिला। मेरा गुरुदेव का आशीर्वाद से है, वो पहला दफे आश्रम से बाहर निकला, जड़ायु पारा में गया, गोधन राम का प्रतिष्ठा किया, 2 रुपया उसको दंड भरना पड़ा, 144 था उधर पहाड़ पत्थर के ऊपर, उधर 13 फुट का बड़ा सीमेंट का एक मूर्ति राम का मूर्ति बना के प्रतिष्ठा किया, अभी इतना बरस हो गया, अभी भी हम लोग उसको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं, इसलिए इन्होंने सब काम छोड़ के इसके ऊपर पीछे चलते हैं। अभी मेरे लिए इतना तो करता है, कम से कम मैं उसको आके जाके राम राम बोल के जाएगा करके आया है, मेरा वक्त दिया आपने दो शब्द बोलने के लिए, और मेरे लिए बहुत आनंद है। आप लोग आगे बढ़ना, हम भी आपके साथ में आ जाएंगे, आप लोग जब भी वक्त मिलता है तो बद्रापुर तक आ जाना, वहां मैंने एक मिनी भारत का टुकड़ा करने का नहीं, भारत का ये के लिए वन नेशन वन लॉ, ऐसा हल्का हल्का बोलने से नहीं है। यदि पत्थर को तोड़ के वहां पक्षी का सेंटर बनाता है, फिर आदमी का मन के अंदर घुसने के लिए तो सोनिक ड्रिलिंग एंड सोनिक क्लीनिंग शब्द से हमको पत्थर को तोड़ सकता है, क्या आदमी का मन को तोड़ नहीं सकता है। इसे आप लोग सब काम करना, आपका शक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। राम 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 पाहिमा राम पादम चेरने मुंद राम पाहिमा, हेलो चल राम 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 पाहिमा राम पादम चेरने मुंद राम पाहिमा मुंद राम पाहिमा मुंद राम पाहिमा। जय सीताराम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।